हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। तो चलो आज ब्रेकफास्ट दिखाते हैं, आज हमने ब्रेकफास्ट में क्या है। तो चलो दिखाते हैं ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में है चटनी और समोसे। तो आप बताइए किस किस को पसंद है। अब हम निकालते हैं हमारे गाय का दूध। हमारे पास गाय है तो गाय का दूध निकालते हैं। हमारी गाय दूध देती है 17 से 18 लीटर दूध देती है। खाती बहुत कम है, दूध देती है बगैर नहाने के। दूध देती है मतलब इसके पैर नहीं बांधने पड़ते, बगैर रस्सी बांधे ही पैरों के दूध देती है। और मतलब बीच में कितने भी बंदे उठ जाओ, कितने भी दूध निकाल लो, कोई भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी अच्छी गाय है हमारी। तो दूध काढ़ना शुरू कर दिया है, दूध निकाल रहे हैं। दूध निकालने के बाद आज हम करने वाले हैं एक काम। आज हम डालेंगे कचरी का अचार, वो भी दो तरीके से। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे गाय का दूध निकालना शुरू कर दिया है और दूध निकाल लेते हैं। किस किस को हाथ से दूध निकालना आता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से गाँव में बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत काम है गाँव में। तो मतलब पूछे मत, पूरे दिन काम करते रहो, टाइम नहीं लगता है। तो अब हम डालते हैं अचार। आजकल कचरियों का सीज़न चल रहा है तो हमने सोचा कि क्यों ना कचरी की खट्टी मीठी लौंजी बनाई जाए। झटपट बन के रेडी हो जाती है। इसको हम पूरी, पराठे, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये खट्टी मीठी होती है तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। मैंने 1 kg कचरी ली है, इनको धो के पोंछ के ले लिया है। अब हम इनको छील लेते हैं। पहले ऊपर का पार्ट कट करेंगे और इनका पतला पतला ऊपर से छिलका हटा लेते हैं। इसी तरह से हम सभी कचरियों का छिलका हटा लेंगे। इसी तरह से सभी कचरियां छील लेते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैंने सभी कचरियों को छील लिया है, अब इनको कट करेंगे। हमें ज़्यादा पतला कट नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। देखो कैसे कट करते हैं। इसी तरह से गोल गोल स्लाइस में कट कर लेंगे। इनकी थिकनेस भी देख लो, इतना मोटा कट करना है। अगर हम ज़्यादा पतला कट करेंगे तो वो पिघल जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। कुछ मसाले देख लेते हैं। मैंने 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी और मैंने 1 कटोरी गुड़ लिया है, जिसको बारीक बारीक काट लिया है। इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे क्योंकि हम खट्टी मीठी लौंजी बना रहे हैं। गैस पे कढ़ाई रखते हैं और अब उसमें सरसों का तेल डालेंगे। मैंने सरसों का तेल यूज किया है, आप भी सरसों का तेल ही यूज कीजिए। इसमें बहुत टेस्टी लौंजी बनती है। अचार लौंजी में सरसों का तेल ही यूज होता है। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल दिया, कलौंजी डालेंगे, जो हमने मसाले लिए थे वो सभी मसाले डाल देंगे, सौंफ, मेथी, मैंने 1 पिंच हींग भी डाली है, प्लीज़ आप वो भी डाल दीजिए। मैं हल्दी आधी ही डाल रही हूँ, मेरी हल्दी कलर बहुत अच्छा देती है। अब जो हमने कचरी कट की थी वो सभी कचरी इसमें डाल देते हैं। मसाले आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप मसाले ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। कचरी डाल के अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालकर अब इसे अच्छे से एक बार फिर से मिला लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं, मैं सभी मिर्च डाल रही हूँ। मिर्च आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये 1 चम्मच मिर्च बिल्कुल इसमें परफेक्ट है। मिर्च डालकर अब इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, जिससे मिर्च हमारी भुन जाएँ, पक जाएँ। कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे 1-2 मिनट के लिए चला लेते हैं। हम इसको ढककर कुक करेंगे। मैंने एक प्लेट ली है, इसको ढक दिया है और 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं। देखो 5 मिनट होने के बाद अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं, नहीं तो हमारी कचरी नीचे से लग जाएंगी, खराब हो जाएंगी। एक बार चला देते हैं। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे, जो हमने 1 कटोरी गुड़ लिया था वो हम इसमें डाल देते हैं। मैंने सारा गुड़ इसमें डाल दिया है,
गुड़ डालने के बाद इसे एक बार चला देते हैं, मिक्स अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं, चीनी भी एक कटोरी ही लें। गुड़ में ये और भी टेस्टी बनती है। इसे एक मिनट के लिए कंटिन्यू चलाकर मिला लेते हैं, जिससे हमारा गुड़ पिघल जाएगा। हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है, हाई पे नहीं करना है, नहीं तो हमारी लौंजी है वो जल जाएगी, पकेगी नहीं। गुड़ हमारा पिघल गया है, अब हम इस एक दो मिनट हमें इसे ऐसे ही पकने देते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। ढक्कन हटा लिया है, देखो हमारी कितनी अच्छी टेस्टी लौंजी बन के रेडी हुई है। अब हम इसमें लास्ट में एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अभी से हमारी लौंजी बन के रेडी नहीं हुई है, अब हमको इसको कम से कम 5 मिनट और कुक करना है, जिससे हमारी कचरी है वो गल जाए। इसके ऊपर हम दोबारा से ढक्कन लगा देते हैं और 5 मिनट कुक होने देते हैं। ढक्कन हटा लिया है, 5 मिनट हो गए हैं, देखो अब हमारी लौंजी बनके रेडी हो गई है। इसको 1 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं, अच्छी गाढ़ी लौंजी हमारी बनके रेडी हो जाएगी। 1 मिनट हम ढकेंगे नहीं, विदाउट ढक्कन ही इसको रेडी करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप इस सब्जी लौंजी को ट्राई ज़रूर कीजिए। देखिए कितनी अच्छी लौंजी बन के रेडी हुई है, हमारी लौंजी बिल्कुल खट्टी मीठी सब्जी बन के तैयार है। पे एक डब्बा धो के पोंछ के ले लिया है और इसमें हमने सारी लौंजी को भर लिया है। लौंजी बन के तैयार हो गई है, उसको डब्बे में भर लिया है। अब हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे, वो भी गांव के बिल्कुल देसी तरीके से, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। लेके आई हूँ कचरी की ऐसी मज़ेदार रेसिपी, जिसके आगे हम पनीर कोई भी सब्जी हो बिल्कुल फीकी लगती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लाजवाब होती है, खाने के 4 चांद लगा देती है। तो हम कचरी का छिलका उतार लेंगे, यहाँ पे मैंने 8-10 कचरी का छिलका उतार लिया है और इसको कट कर लेंगे। आज ये रेसिपी हम बनाने वाले हैं गांव के बिल्कुल देसी और पारंपरिक तरीके से। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने लिया है साबुत जीरा और सभी कचरियों को कट कर लिया है। सबसे पहले इनको बारीक पीस लेंगे, क्योंकि इनका छिलका थोड़ा सा हार्ड होता है, तो हम बिल्कुल महीन पीस लेंगे। तो मैं बता ही देती हूँ, आज हम बना रहे हैं चटनी। आपने मिक्सी में तो चटनी बना के बहुत बार खाई होगी, कभी आपने पत्थर पे चटनी पीस के खाई है, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। जो हम मिक्सी में चटनी बनाते हैं उसमें इतना टेस्ट नहीं आता जो हम पत्थर पे पीस के चटनी खाते हैं, और गांव में तो लोग अक्सर पत्थर पे पीस के ही चटनी खाते हैं, तो इस ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको अच्छे से कूट के और इनका देखो छिलका और ये अच्छे से पीस लिया है। अब हम लेंगे साबुत 2 लाल मिर्च, आप तीखा ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 लाल मिर्च ली हैं। आज ये चटनी मेरी सासू माँ बना रही है, क्योंकि चटनी मेरी सासू माँ के हाथ की ही पसंद है मुझे। और 8 से 10 ली हैं लहसुन की कलियाँ और स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक। और यहाँ पे 1 चम्मच भर के डाला है धनिया पाउडर, अगर आप साबुत धनिया भी डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने धनिया पाउडर ही डाला है। और इसे अच्छे बारीक महीन पीस लेते हैं। जो हमने कचरी पीसी वो थोड़ी साइड में कर दी, अब जो लहसुन की कलियाँ और साबुत लाल मिर्च ली हैं उनको भी अच्छे से बारीक पीस लेंगे। किस किस ने इस तरीके से चटनी बना के खाई है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अब हम इसमें डालेंगे दही, यहाँ पे मैं 3 से 4 बड़े चम्मच दही डाल रही हूँ। आप इसमें लस्सी छाछ भी डाल सकते हो, लेकिन दही में थोड़ी गाढ़ी अच्छी टेस्टी बनेगी ये चटनी, तो दही डाल दिया है। और जो इस मिर्च हैं इनको अब हम अच्छे से पीस लेंगे, रगड़ रगड़ के बिल्कुल हम बारीक कर लेंगे। अब तो हर जगह है, क्योंकि कचरियों का सीजन आ रखा है, तो हर जगह ही आपको कचरी मिल जाएंगे, बाज़ार में भी अवेलेबल होती हैं इस टाइम पे कचरी। तो इसको रगड़ रगड़ के बिल्कुल बारीक पीस लिया है, महीन पीस लिया है, तो दोनों चीज़ें पीस गई हैं, कचरी और जो हमारी मिर्च थी वो। अब दोनों को अच्छे से मिक्स करके अब दोबारा से पीसेंगे।
मैंने मेरे चैनल पे कचरी के अचार की सब्जी की कई वीडियो डाल रखी हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और बिल्कुल गांव के देसी तरीके से बता रखा है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब भी लगती हैं। उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और एंड स्क्रीन में ज़रूर मिल जाएगा, आप उन्हें ज़रूर चेक करें। चटनी को हम जितना बारीक पीसेंगे खाने में वो इतनी ही टेस्टी और लाजवाब लगेगी। तो इसी तरह से हम चटनी को बारीक पीस लेते हैं। आप अपने अनुसार देख लें आप कितने सदस्य हो। हमने तो ये चटनी 3 सदस्यों के लिए बनाई है, तो काफ़ी है वो, तो आप उस अनुसार कचरी ले सकते हो। 8 से 10 में 3 के आराम से चटनी हो जाती है बिल्कुल, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लाजवाब लगती है। तो हमारी चटनी है ये पीस के तैयार हो गई है, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी, और खाने में तो बस पूछे मत, इतनी टेस्टी और लाजवाब है। चटनी बनके तैयार हो गई है, इसे एक कटोरी में भी निकाल लिया है। आप इसमें तड़का लगाना चाहें तो देसी घी में थोड़ी सी राई डाल के या और जीरा डाल के तड़का लगा के खा सकते हो, लेकिन हम तो बगैर तड़के के ही खाएंगे, मेरे को तड़के वाली थोड़ी कम पसंद है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। राधे राधे।